अब मैं इस सत्र के अध्यक्ष आदित्य मोहन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें और अपने शोरों का किसा निर्देश भी करें। दोस्तों, मुझे कर्मण थी आने का भरोसा नहीं था, बोलने की कोई बात नहीं थी, सब होते होते अपेक्षा भी हो गई है बोलने का, हम भी जाते हैं। और ये बात मैं असल में बहुत को मतलब का नहीं मानता कि गांव की लड़ाई दुनिया के लेवल पर शुरू होगी, गांव के लेवल पर शुरू होगी या शहरों से हो गाँव से हो, इसका खास मतलब नहीं है। आज सुबह ही देखा था मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में सोमालिया में बड़े पैमाने पर बड़ी और अकाल का पिछली दफे जो प्यार वगैरह में अकाल से लोग लगभग उसी बन रहा है और कई लाख लोगों का जीवन बचाना अपने आप में बड़ी समस्या है। ये सब एक केस का मसला नहीं है, इस किस्म के मसले आपको बारी बारी से दिखाई देते हैं, कई महामारी के रूप में, कई महिलाओं की कमी के रूप में। दूसरी तरफ दुनिया के लेवल पे आप ये हो रहा है कि $75 के ऊपर जैसे तेल जाता है वैसे ही मक्का और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल इंधन बनाने के लिए शुरू हो जाता है, डीजल पेट्रोल में मिला के उसका इस्तेमाल करें। हम सब अपने यहाँ भी देख रहे हैं कि मक्के का उपयोग या मोटे अनाज का उपयोग हमारे यहाँ भी मुर्गी के फीड के लिए और जानवरों को चारा के लिए होता है, और ये सब चारा जो है ये कोई इसलिए नहीं होता है कि गाय दूध दे या स्वस्थ रहे, उसमें ये इच्छा रहती है कितनी जल्दी उसका मीट तैयार हो जाएगा, कितनी जल्दी वो मोटे तगड़े हो जाएंगे जिससे उन्हें पड़ना। तो इस तरह का दुरुपयोग या उपयोग सदुपयोग जो भी कहिए ये बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में हो रहा है, और जो भी दुनिया को चलाने वाले लोग हैं उनकी चिंता अब सबको कम से कम खाना देना और घर देना और कपड़ा देना, जो पहले दुनिया के हर बड़े लीडर के हर आइडियोलॉजी के मुख्य विषय यही था कि कैसे सबको खाना दिया जाए, सबको कपड़ा दिया जाए, सबको सब इंतजाम दिया जाए। आज की तारीख में ये एजेंडा गायब हो गया है। दूसरी तरफ पैक इससे ज़्यादा बाजार की बनी हुई है। अभी मक्के का किस्सा सुना रहे थे सुभान जी, आपको सिर्फ मक्का ही नहीं हर चीज में आपको दिखाई देगा, मछली जिस बिहार में कहीं बिजली नहीं है दूर देहात से जाते हैं वहाँ एयर कंडीशन वैन से मछली के बीच गांव गांव पहुँचाने की जरूरत है, फिंगर लिंक्स हाँ मछली भी पहुँच रही है, मछली का बीज ही उत्पादन होना है वहाँ का फर्स्ट बीज। अनिल प्रकाश जी ने उसी बार जो मक्के का जिक्र ये कर रहे थे 500 रुपये किलो बीज था और वो 500 रुपये किलो का बीज फेल हो गया मॉन्सेंटो का, मैंने 2 लेख छाप दिया हिंदुस्तान में, तो मॉन्सेंटो की तरफ से बड़ी सारी शिकायत आई और वो लड़का जो बिहार का वो आके मुझे कि अनिल प्रकाश जी को नहीं मालूम है, आप उनको नहीं जानते हैं उनके क्या खेल है। हमने कहा तुम्हारी पैदाइश कितनी दिन की है, तुम्हारी उम्र है, मैं अनिल प्रकाश को जानता हूँ और अगर अनिल प्रकाश बेईमान हो जाएंगे तो इस दुनिया में कोई भी बेईमान हो जाएगा, कम से कम इस मसले से जो बात करनी है तो ठीक हो, ये अलग है तुम्हारा मनोज होगा ऐसा कर। तो इस लेवल पर तैयारी है, सारा बीज, सारा पेस्टिसाइड, सारा हर्बिसाइड, सारी खेती सब उस तरफ से। और ये सिर्फ ओबामा और दुनिया के लीडर से दिक्कत नहीं है कि वो खेती और जमीन को बुला रहे हैं, जो हमारे बड़े भारी दुलारे के मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, आप उनके मुंह पे सिर्फ बोल दीजिए कि भूमि सुधार के आदमी क्यों नहीं होता है, उनको लगेगा कि मावान की गाली आपको, वो लगभग इसी अंदाज में करते हैं। अगर किसी गोष्ठी में किसी बातचीत में आप कर दीजिए इकोनॉमिस्टों की कोई गोष्ठी यहाँ भी हो रही हो तो आप उसमें कहिए कि भाई आपके सारे इकोनॉमिक पैकेज में कहीं लैंड रिफॉर्म और सिंचाई भी है कि नहीं है, तो कोई आदमी को सुनने को तैयार नहीं। पूरे 20 साल के सिविलाइजेशन के दौर में सिंचाई कहीं भी देश में बढ़ी हो इसका कोई प्रमाण नहीं है, गांव की बिजली कहीं बढ़ी हो तो डीजल से किसान अपनी खेती कर रहा है। तो एरिया में इस तरह से बदल गया है और इस जमीन के लिए ऊपर से नीचे तक सारा कुछ बदल गया है, उस पर खेती कैसे सर्वाइव करेगी, किसान कैसे रहेंगे, इतने सारे लोग मिलकर जीवन इसको ले रहा है, वो कैसे चलाएंगे जीवन, ये मुश्किल। अभी अपने यहाँ आप बात करिए थोड़ा आगे पीछे घूमते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वायदा कारोबार शुरू है और जो महंगाई पे सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं ये जो लोग बीजेपी के लोग, ये वहीं के लिए जिम्मेदार है। और घूमने में पता लगेगा कि
बाद सत्य यादव जी ने ये ऑर्डर दिया कि और एक एक्सपर्ट कमेटी के खिलाफ वायदा कारोबार नहीं शुरू होना चाहिए, वायदा कारोबार शुरू हुआ है और आज की तारीख से वायदा कारोबार आपके गेहूँ पे, आपके आलू पे, आपके टमाटर पे, तेलहन पे, सोयाबीन पे वो वायदा कारोबार है, उसका पूरा साल का टर्नओवर आपके जीडीपी से ऊपर 80 लाख 85 लाख करोड़ रुपये का सौदा साल भर में ही होता है। कहाँ होता है, कहाँ ना जाता है, कहाँ जाता है, आगे किस दिन वो सौदा किया जाता है, कहाँ से पेमेंट दिया जाता है, कहाँ पेमेंट दिया जाता है, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये बिचौलिए जितने होशियार लोग हैं ये फसल होने के पहले से सौदा लगाना शुरू करते हैं और कमा के अपना अगर 2% की भी कमाई आप देखें तो हजारों करोड़ रुपये किसकी जेब से आते हैं, किसकी जेब में जाते हैं, ये न उपभोक्ता की जेब में जाने वाले हैं और न किसान की जेब। खेती को अगर इस तरह से जकड़ लिया गया है, पकड़ लिया गया है तो उसकी जरूरत फिर ये भी है हम सब लोगों की कि चाहे वो न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में मीटिंग हो रही हो या किसी गाँव में हो रही हो, इस समय को कम से कम पहले बनाएं और बनाएं कि क्या क्या मुश्किलें हैं और कितनी बड़ी मुश्किलें हैं और फिर किस किसी को इसमें सर्वाइव करना है, जिसको जिंदा रहना है, जिसको जीवन मरण की लड़ाई लड़नी है। सोमालिया के लोगों को हो सकता है ये उस न हो क्योंकि उनको अभी वो अनाज नहीं मिलेगा तो ये एक हफ्ते बाद तक जिंदा रहेंगे ये मुश्किल होगी। लेकिन हम तो आपको जो सारे लोग बैठे हुए हैं या जो अभी कम से कम हैं उनको इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए और दूसरा ये है कि इसको अपनी प्राथमिकता में कहीं ना कहीं जल्द जो काम हम करते हैं उसकी प्राथमिकता ये भी बने कि खेती किसानी के मसले, गरीब के मसले, गाँव के मसले, जो जीवन शैली पुरानी थी उसको सिर्फ एक बड़े खाली स्वप्न की तरह और बड़े आदर्श की तरह नहीं यार एक जरूरत की तरह उसको हम समझें और उसको याद करें इतनी बात करनी है। ये सत्र तो यही समाप्त हो गया लेकिन चाय के लिए जाइए और एक आखिरी सत्र होगा जिसमें विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हैं वो अपनी बातें कहेंगे। उस सत्र का नाम आपसी जगह है और उस सत्र की अध्यक्षता जो है सुधीर जैन करेंगे और अजय झा उस सत्र को दिशा निर्देश देंगे कि हम अपनी बातों को आगे कैसे ले जाएंगे ताकि आज की दिनभर की गोष्ठी का कोई नतीजा मिले। इस गोष्ठी में पश्चिम बंगाल से शुभकरण जी, हिमाचल प्रदेश से उदय जी, चंडीगढ़ से शुक्ला जी, राम भगत सीताराम, भागलपुर से मनोज पांडे, भगवान प्रलय चंदन शुक्ला और उड़ीसा से सुस्मिता, उत्तर प्रदेश से भारती तिवारी, ये सब लोग इस अंतिम सत्र में अपना वक्तव्य देंगे और अपनी बोलिए और धीरज जी बोलिए। तो हम सब लोग 5-6 मिनट की चाय पीकर या चाय का कप पीकर अगर यहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि समय की बचत हो जाएगी क्योंकि 5:30 बजे यहाँ एक दूसरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो इसलिए उनका कार्यक्रम शुरू हो इसके पहले हम अपनी गोष्ठी करके नतीजा निकाल के यहाँ से चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाय के लिए करते हैं।